गाइस माय नेम इज कथन एंड टुडे वी आर प्लेइंग माइनक्राफ्ट। और आज मैं अपना करने वाला होम क्यू, मतलब मैं अपना रियल अकाउंट जो है वो तो मैंने अपने दोस्त के साथ डुओ का बनाया था, और आज मैं करने वाला हूँ अपना होम क्यू, जिसे आपको मेरा रियल अकाउंट पता चले, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन उसमें मैंने गर्ल के लिए कुछ ज़्यादा खास सोचा नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे पास पोर्टल पड़ा है लेकिन मैं क्वाज नहीं लाता क्योंकि मुझे इतनी अच्छे लगते हैं क्वाज इतना। आज हम करने वाले होम ट्यू, आप ये देख सकते हैं मैंने अपना प्लेयर बदल दिया है। आप देख सकते हैं मैंने पीछे अभी एक्स लिखा है, पहले कुछ और लिखा था। आप देख सकते हैं मैं इन सब में से नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे इन सब में से पसंद ही नहीं है कोई, इसलिए। और कुछ लोगों ने बताया मुझे, एक कमेंट आई थी कि आप पहले इतना अटक अटक के बोलते थे, अभी क्या हुआ? तो पहले वो क्या बोलते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था तो मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ वो सब था, लेकिन अभी मैं समझ चुका हूँ क्या करना है। तो लेट्स बिगिन। और आप स्प्रिंट कैसे कर सकते हैं वो भी बता सकता हूँ। ये सब आप जनरेटिंग वर्ल्ड पे जो आ रहा है वो सब पढ़ते रहिए कि वो काम का होता है। कभी कभी आपको इसमें जो भी बोलो उस पर ध्यान मत दीजिए इतना, लेकिन यू शेयर टू कार्ड ये सब तो हमको पता रहता है। लेकिन मैंने उस अकाउंट में अभी तक एक प्रॉब्लम है, मैंने अभी तक फार्म नहीं बनाया। मैं सोच रहा हूँ एक फार्म बनाऊँ, वो भी इसलिए मैंने सब चीज़ें खत्ता कर रहा हूँ। मैं अभी पिछली बार माइनक्राफ्ट के अंदर आया था इसलिए मुझे लगता है वहीं पे सेव हो गई होगी मेरी गेम। आप देख सकते हैं मेरे पास एनविल है, ये है मेरा गर्ल। अभी मैं सोच रहा हूँ ये एनविल को तोड़ के कुछ नया बनाऊँ। टेबल में मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या बना सकता हूँ अभी। हाँ, मुझे बनाना है ग्राइंडर बनाना है, मुझे अभी ये बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मुझे अभी ये ऐसे चीज़ें चाहिए होती है, अभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है मुझे। कैटोग्राफी टेबल पड़ा है, लैंटर्न बना सकता हूँ चाहूँ तो, मेरे पास आयरन तो दुनिया भर का पड़ा रहता है। यहीं पर फायर वर्क स्टार लाइट ब्लू डाई फायर वर्क स्टार ब्लैक डाई ये सब पता नहीं क्या है, लेकिन मैं अभी सर्च मारूंगा। नहीं यार, लगता मैंने ग्राइंड क्या मैंने वैसा खोजा। ये देख लो, इसके लिए मुझे चाहिए स्टोन स्लैब स्टिक्स कुछ। चलो कोई नहीं, बना देंगे हम। और आप देख सकते हो मेरे पास आर्मर भी नहीं पहना मैंने अपना, इसलिए मैं सोच रहा अभी क्या करूँ। स्टोन स्लैब चलो बना देते हैं। स्टिक्स तो मैं डब्बे में पड़ी होगी ढेर सारी, कहाँ गई स्टिक्स? स्टिक 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 नहीं है, लेकिन मैं अभी इसका काम है। कहाँ के फाइनेंस में ना, पर मैं ये एंडिसन का भी काम नहीं है, और मेरे पास जलाने के लिए कुछ है नहीं। मैं सैपलिंग्स भारी पड़ जाएगा भाई। नहीं मैं कोयल ले रहा हूँ, मैं सोचा वो अभी एक ब्लास्ट फर्नेस बना दूँ क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा फास्ट कुकिंग करने के। ब्लास्ट फर्नेस बनाने की जैसे भी है बहुत मस्त चीज़ है ब्लास्ट फर्नेस, कहीं कहीं होगा ब्लास्ट फर्नेस ना नहीं है लगता। वापस वही सर्चर में जाके अरे मिट्टा जा,
ब्लास्ट फर्नेस, ये रहा मुझे 1 2 3 4 5 6 आइटम, 3 ब्लूस्टोन, 1 फर्नेस। ठीक है, ये रहा स्टोन तो यहीं पर है, मैं क्या जलाऊँ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैप है लेकिन ये लेवल 1 पे अपग्रेडेड है इसलिए मैं इसको नहीं जलाऊँगा। आप देख सकते हैं कि मेरा मैप इतना बड़ा हो चुका है, पहले यहाँ इतना सही था, और आप सोच रहे मैंने मैप दूसरी तरीके से बना सकते हैं कि हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत लगती है, आपको कॉम्पस और 8 पेपर्स चाहिए होते हैं। रात भी हो रही है, मैं सो भी जाऊं बाद में। अब देख सकते हैं मुझे 3 चाहिए थे ना, मैंने 1 ही तैयार किया। रुक जाओ, मैं बना तो सकता हूँ लेकिन बिकॉज आई हैव सम सरप्राइज, मैं सोच रहा हूँ ये स्टोन कटर को रखूँ यहाँ पे ताकि ये मैं क्राफ्टिंग टेबल को ना कर दे, और ये देख इसका बहुत अच्छा काम होता है, वो मुझे बहुत पसंद है कि हमको बार बार वो क्या बोलते हैं, बार बार ऐसे कुछ करना नहीं पड़ता, ज़्यादा बार बार 3-3 पत्थर नहीं बनाने पड़ते, बस डालो जो चाहिए बस उसके ऊपर टैप करो। मुझे चाहिए है स्टोन स्लैब, देख लो हो गया। अब 2 स्टिक्स चाहिए थे, 2 स्टिक्स, लेकिन मैं पहले सो जाऊँ, रात हो रही है। देख सकते हैं मेरे पास एक डायमंड पिकैक्स भी है, मैं अब सोचो मेरा सारा सारा इम्पोर्टेंट सामान आ गया इसका, तो बोल दूँ कि मैंने वो कहीं हाइड करके रखाया हुआ है, क्योंकि कोई भी उसको ले ना सके, कि मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ। और पता नहीं मेरे डायमंड स्वॉर्ड भी नहीं मिली मुझे, तो बाजू में ये मेरा मेरी डायमंड स्वॉर्ड ये थी, मैं इसको फर्स्ट में रखूँगा, कहा कि मेरी ओ मैंने फेंक दी लगता है। शाम की बात है, अब देख सकते हैं मैं फेंक भी सकता हूँ डायमंड स्वॉर्ड, थोड़ा स्वॉर्ड ये देखो अल्ट्रा स्वॉर्ड नाम रखा है मैंने, बस आप सही में समझ मत जाना। अब मैं सीख गया कैसे चीज़ें फेंक के देनी पड़ती है, मैं पता नहीं टॉर्चेस क्यों नहीं फेंक पा रहा, अगर आपको पता हो कि टॉर्चेस ऐसे बिना किए कैसे फेंकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। इसमें सब बोलते हैं ड्रैग करना पड़ता है, देखते हैं ये ड्रैगिंग से होता है कि नहीं, लेकिन मुझे एक एक करके फेंक नहीं सकता मैं। मैं कहाँ गई, क्योंकि मैं भी अपने दोस्त को ये सोचा हुआ कि ये माइनक्राफ्ट दे दूँ, और आप सोच रहे हो कि मैंने प्ले स्टोर से फ्री में कैसे लाऊंगी, सही में मैंने प्ले स्टोर से नहीं किया। अब देख सकते हो मुझे लेवल 8 है मेरा अभी ना, हाँ यस, अभी मैं सोच रहा हूँ चीज़ों को रिपेयर कर लूँ क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें हैं, मैं सोचा अपनी शील्ड को अपग्रेड कर दूँ। आप सोचो मेरे पास 5 लैपिस ली थी मैं, लेकिन ये तो मेरे घूमने वाले लैपिस ली थी जो मैं गुफा से पिछली बार माइन करके लेके आ गया था, और मैंने मुझे देखना भी पड़ेगा कि यस इसको कर सकते हैं नहीं, नहीं कर सकते क्या ए भाई, ये क्या मक्का बनती दिखा रहे, कोई नहीं चलो। लगता है मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा अभी, मैं थोड़ा इसका नाम चेंज कर दूँ शील्ड,
आपको ये नाम अच्छा लग रहा है तो बताओ, वरना मैं इसका नाम नॉर्मली रख लूँ। और आप शील्ड बनाना बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको क्राफ्टिंग टेबल में जाना है, एक आयरन ऊपर रख देना है, बाकी में वुड रख देनी है, या आप एक यहाँ पे जहाँ पे मैं कोबल्ट स्टोन रखा हूँ वहाँ पे। ऐसे आपको कुछ रख देना है, लेकिन आपको कोबल्ट स्टोन नहीं रख, ये पत्थर नहीं रखने, आपको रखनी है लकड़ियाँ जिससे आपका बन जा सकता है। मैं अपना आयरन वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपना सारा गोल्ड वो सब रखता कहाँ पे हो, तो अभी आप देख लेना, मैं अभी अपना सारा गोल्ड वैसे भी रखने ही वाला हूँ अभी। और मैं सीख चुका हूँ कि चीज़ों को बिना, आप देख सकते हो मुझे पॉइंट्स मिले। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ का तोड़ूंगा हूँ अभी, देख सकते हैं कि मैं सारा मेन मेन चीज़ें आपको ये सब बेकार रख दूँगी, लेकिन सैपलिंग्स काम के, मशरूम से हम खाने की चीज़ें बना सकते हैं, इसे कवरिंग के लिए है। एंड साइन तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, फिर गोल्ड मैंने पहले से ही उसी गुफा में से माइन करके ला चुका 52। फिर अभी ये मैं इसकी वजह से ही मैं बहुत सफ़र कर चुका हूँ बोट्स में, और अभी मुझे 62 लैपिस लीजिए हूँ मैं मेरे पास। और आप देख सकते हैं मैंने गलती से चेस्ट उल्टी रख दी है। अरे इंसान ही गलती करता है, वरना जानवर करता है। नहीं हो रही नहीं, ए बंद कर दो। और आप दिखा दे दो मेरा पोर्टल, और मच्छर ये रहा। लोग हमेशा ये जगह भी पूछ देते हैं, एक दो ये चारों चार जगह पूछ देते हैं, लेकिन अब सोचो कि मैंने ऐसा बनाया कैसे कि बिना ऐसे जगह किए। तो सही में मैंने यहाँ पे डॉट लग दी, बाद में मैं यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ता गया मुझे, लेकिन अभी मैं ढूंढ नहीं जाना, मेरे वीडियो टाइम खत्म हो गया। तो अभी मैं एक और माइनक्राफ्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जो इसी अकाउंट में होगी। और आज हम करने वाले थे, क्या करने वाले थे हम भूल गए, आज हम घर का बस ट्यू। अब सोचोगे कि मैंने रेड स्टोन लैम्प कैसे बनाया, बहुत ही आसान है। और मैं अभी इसके स्विचेस को थोड़ा उल्टा फुल्टा करने की सोच रहा हूँ, आपको एक यहाँ पे रख के, अब देखो तीन लाइट में आराम से ऑन हो गई। मैं सोच रहा हूँ एक यहाँ पे रखूँ, लेकिन मैं अकाउंटेड नहीं करके आऊँगा, इसलिए मैं ये तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ये तोड़ा तो मैं चेस्ट नहीं छुपा पाऊँगा, प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तीन यहाँ पे मैं भूल भी गया कौन सा ब्लॉक आता है, वाइट आता है शायद से मेरे ख्याल से। ए मैं क्राफ्टिंग टेबल कहाँ को खोला, कहाँ गई मैं, वाइट वुड लगता है मैं लकड़ियाँ लगता भी नहीं हूँ। अरे भी अभी वुड कौन रखेगा, मैं पहले अपना लैम्प लेके आ जाऊँ, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है मेरा। अभी के लिए मैं ये रेडस्टोन लैम्प ले लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, जिस एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बाद में एक यहाँ पे। मैं सोचो ये तोड़ दूँ, एक टाइप का मेरा बेड बन चुका है, मतलब बेड क्या वो लैंटर्न। अब देख सकते हैं मैं एक दबाता हूँ दो जलते हैं। मुझे यहाँ पे नहीं लगाना है स्विच, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगाऊँ, क्योंकि मैं जब मैं हमेशा इसको ऑन रखूँगा, जब जैसे ही मैं सोने जाऊँगा मैं इसको ऑफ करके सो जाऊँगा। लेकिन मैं अभी अपना रिस्पॉन पॉइंट इस बेड पे सेट करता हूँ। अब देख सकते हो रिस्पॉन पॉइंट सेट, मतलब अब कभी भी मरोगे तो आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे। मैं यहाँ पे बहुत दिनों बाद आया था, तो गाइस देयर होप यू एंजॉय।